दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। तो आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको खुश रखें। और आज हर जगह धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वैसे कहीं कहीं पे कल भी जन्माष्टमी मना ली है, तो बट आज जो इस्कॉन मंदिर होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, मतलब जहाँ पे उनकी काफ़ी पूजा होती है, तो बड़े बड़े जो इस्कॉन मंदिर हैं वहाँ पे आज पूजा हो रही है। तो आज रात जश्न की रात है। तो आज सभी मंदिरों में बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। तो हम भी देखते हैं, शाम को मंदिर जाएंगे तो क्या प्रोग्राम वहाँ पे होता है, कैसा फंक्शन होता है, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो वहाँ 12 बजे के बाद ही अभिषेक होता है, बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे होता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और मिलेंगे आपको शाम को मंदिर में ही डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को काम भी करना है इस टाइम ऑफिस का। तो मैं इस टाइम अपने काम कर रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको बाद में। तब तक ले रखिए अपना ख्याल और जय श्री कृष्ण। भाई इस टाइम हो रखा है दिन का टाइम और बैठे बैठे यार हाथ पैर जाम हो जाते हैं, तो इसलिए मैं गेड़ा मारने इस टाइम बाहर आ चुका हूँ। तो ये जो पार्किंग है, आज बादल भी लगे हुए हैं मस्त से, बट गर्मी भी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मतलब है गर्मी तो है इतनी ज़्यादा। का जो मंथली राशन वगैरह होता है बिकी गया लेने के लिए, तो अभी हम चलते हैं रूम की तरफ। तो मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है जी, मंदिर में मिलेंगे अब सीधी शाम को। तो भाई आज हमने सामान लिया अपने लिए बहुत सारा, बिस्किट, टॉफ़ी, सब है। टॉफ़ी तो नहीं है, ये है, आधा सामान अंदर रख दिया। ये 2 महीने का राशन, पानी, खाने का। तो गाइज हो चुकी है शाम और मैं जा रहा हूँ आगे, और आगे लग रहा है मेला। तो अभी हम देखते हैं, एक राउंड में घूम के आ रहा हूँ मेले में और आपको रौनक दिखाता हूँ मार्केट की। तो मेरे को यकीन नहीं था यार मेला भी लगता है। तो चलते हैं आगे और एंजॉय कीजिए, देखिए क्या क्या है मेले में। और मंदिर जाएंगे हम शाम को, नहीं मतलब लेट जाएंगे बाद में। तो अभी हम जा रहे पहले मेला की तरफ। अभी अभी मेरा काम ख़त्म हो रखा है, उसके बाद में जस्ट घूमने आया था, बट यहाँ पता लगा कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो गया मेला। कल कितने की मूर्ति? ये देखिए कितनी शानदार मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो भाई छोटी छोटी मूर्तियां हैं यहाँ पे, आप किसी भी भगवान की ले सकते हो। ये बहुत सारी लगी है।
पकौड़ी वाला भाई साहब, और भाई फुल भीड़ है यहाँ पे, फुल भीड़। यहाँ तो बाइक अलाउ नहीं है। और आगे है मंदिर, और ये देखिए चारों ओर भीड़ ही भीड़ है। और नीचे और ऊपर साइड लगी है दुकानें। ये क्या है? अच्छा मुकुट। ये है झूला और ये मोर पंख। तो यार भीड़ देख लीजिए कितनी है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, मेला भी इधर को लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, इसके बाद अभी से अंदर जाने लग गए लोग, मतलब कब से जा रहे हैं। और ये एग्जिट गेट है और यहाँ से एंट्री है, एंट्री साइड दूसरी साइड से। तो देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है, इतने लोग। तो भाई ये पीछे साइड पार्क है, इसमें भी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ देखिए झूले वूले भी लगे छोटे मोटे। वाह, आज तो यहाँ का माहौल ही चेंज है पूरा। ये भाई टैटू आर्टिस्ट। तो गाइस जब भी आपने देखा मेले में कितनी धूम धड़ाका थी, बिल्कुल रौनक और भीड़ इतनी थी ना भाई, और इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकते हो, इतनी भीड़ थी। तो अभी मैंने मंदिर जाना है, अब हम थोड़ा नहा धो के बाद में जाएंगे फ्रेश होके। अभी टाइम हो रखा है 8:30 बज चुके हैं, इसके बाद ही हम मंदिर जाएंगे। तो मिलते हैं, फिर दिखाएंगे आपको कृष्ण जी की झांकी। तो फिर मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:30 रात के, और मेरे को तो जाना है मंदिर, गौतम ने तो आना नहीं, और गौतम बना रहे भी पकौड़ी। गौतम से चलो देखते हैं गौतम की रेसिपी। जी बन गया आपका माल, दिखाओ। ये मैंने बेसन को बनाया है, जैसे मारा लगाते हैं ना। क्या क्या मिला है इसमें? प्याज मिला है, प्याज मिला है, प्याज मिलाया है, टमाटर, हरी मिर्च और सोयाबीन भी डाली है मैंने इसमें। तो आज नई तरीके से ट्राई करना चाह रहा हूँ मैं। नमक, नमक वमक सब डाल दिया, नमक भी डाल दिया इसमें, बस आलू नहीं थे।
तो वो आलू, नहीं डाला अच्छा आलू मैंने। लाने भूल गए यार। चलो ठीक है आप तो बनाओ, थोड़ा मजा कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। मैं तो ना लेता हूँ। चलो इधर देख लो एक बार यार, तुम बोलोगे फिर मेरे को ब्लॉग मिली या नहीं। ये गौतम हमारा रूममेट। चलो और अभी विक्की बाहर गया हुआ है। चलो डालो फिर, हो गया। अभी हल्की, अभी और होने दो थोड़ा। चलो अब डाल रहे गौतम जी, चलो डालो डालो। वाह, थोड़े से छोटे बनाओ इनको, वैसे ठीक है। अपने पास दूसरा वो नहीं है करछी टाइप का? चलो आप बनाओ, मैं नहाने जाता हूँ। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं। चलो चलते हैं भाई। यहाँ भी बहुत भीड़ है, यहाँ नंबर आना मुश्किल है, इतनी लाइन ये है। और भाई फाइनली अंदर पहुंच गया और आगे जा रहा हूँ मैं भी। गाइज अब हो चुकी है रात बहुत, और जैसे तैसे दर्शन भी हो गए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यूपी में सच में बहुत क्राउड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक बार फिर बोलते हैं जय श्री कृष्णा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं करता हूँ एडिटिंग, अभी 12:30 हो गए, 12:30 हो गया टाइम, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद अपलोडिंग दे सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर।